कार्नोट इंजन क्या है? कार्नोट एक साइंटिस्ट का नाम था। बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं डीजल और पेट्रोल पे, उसके अंदर क्या होता है ये समझो। गाड़ी कैसे चल रही है, इंजन चला रहा है, इंजन कैसे चला रहा है गाड़ी, और इंजन क्या कर रहा है? आप पेट्रोल डलवा रहे हो या डीजल डलवा रहे हो, उसको बर्न कर रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर पे गैस है, इंजन के अंदर पिस्टन लगे होते हैं। अगर आपने ऐड देखी हो किसी भी इंजन ऑयल की, तो उसमें ना पिस्टन अंदर बाहर अंदर बाहर, वो कार्टून में दिखाते हैं कि इंजन कैसे चलता है। तो इमेजिन करो आपके पास एक इंजन है, आपके पास एक इंजन है, ये मान लो उसका सिलेंडर है इंजन का, जहां इसके अंदर पेट्रोल या डीजल आप बर्न करेंगे। यहाँ पिस्टन लगा हुआ है और ये एक रॉड है। तो हम क्या करते हैं, जब आप फ्यूल बर्न करते हो और रेस दबाते हो, कुछ भी करते हो, गाड़ी चलती है, तो गैस उसके अंदर जो बनती है वो कंप्रेस होती है, एक्सपैंड होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपैंड। तो पिस्टन बहुत तेजी से अंदर बाहर ऐसे मूव कर रहा होता है, इन आउट इन आउट इन आउट। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? तो गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब इमेजिन करो गैस जो है वो कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। अब इमेजिन करो आगे किसी ने व्हील लगा दिया, एक्सपैंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, आधा चक्का घूमा, कंप्रेशन में आधा घूम गया, एक्सपैंड कंप्रेस, एक्सपैंड कंप्रेस। ये बना ऐसे होता है, रेल का इंजन देखा नहीं है, रेल का वो ट्रेन के जो व्हील्स होते हैं ऐसे, वो रॉड ऐसे घूम रही होती है, तो यही सारा मैकेनिज्म है। टायर के साथ ऐसे रॉड बांध रखी होती है कि कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन। तो बहुत तेज 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 टायर घूमता है। सोचो आपकी कार कितनी स्पीड से चलती है, तो सोचो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का मैकेनिज्म कितना जबरदस्त है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो किस तरीके से गाड़ियां चलती हैं, तो बेसिकली गाड़ी चल पड़ी तो वर्कडन हो गया। तो कार्नोट, देखो कभी भी रिसर्च होती है पहले साइंटिस्ट को लगता है, उसकी कोई थ्योरी होती है, या तो वो साइंटिस्ट उस थ्योरी को प्रूव करता है या कोई और आके समझ के उसको प्रूव करता है। मैथमेटिकली जब तक प्रूव नहीं होगा या एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होगा, वो थ्योरी सही नहीं मानी जाती। कार्नोट ने एक साइकिल बताया जिसे कार्नोट साइकिल बोलते हैं, और उससे बनाया हुआ इंजन कार्नोट इंजन है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि कार्नोट ने पहले इंजन बनाया फिर गाड़ी चला के दिखाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने किताबी इंजन बनाया, हाइपोथेटिकल है। उसको ऐसा लगता था अगर दुनिया में ऐसे इंजन बने तो बहुत बढ़िया वर्क डन कन्वर्ट हो सकता है। तो उसने एक थ्योरी में इंजन बनाया, उसने अपनी थ्योरी बनाई कि अगर इस तरीके से हम गैस को कंप्रेस और एक्सपैंड करें तो एफिशिएंसी बढ़िया आएगी, या गाड़ी में हीट जो है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। सिंपल, बढ़िया आएगी नहीं आएगी बात की बात है, पर हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम ऐसा काम करें जो इसने हमें बताया। क्या बताया? तो कार्नोट इंजन क्या चीज है? इट इज अ डिवाइस जो ट्रांसफॉर्म करता है क्या, हीट इनटू मैकेनिकल वर्क कॉन्टिन्यूसली। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है कॉन्टिन्यूसली, और वर्किंग सब्सटेंस जो क्या इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन है उसका क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल क्यों बोल रहा है? कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, साइक्लिक प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। इसका प्रिंसिपल लिख देना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखा नहीं हुआ पर लिख लेना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लिख लें यहाँ पे प्रिंसिपल सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ताकि जब पेपर में अगर बाई चांस स्कूल में आ जाए कम से कम लिख तो सकें कि प्रिंसिपल क्या है, क्या करता है इंजन, क्या इसका प्रिंसिपल है। इट इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लिख लें बुकलेट के अंदर। ठीक है यहां तक? अब वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें बनाने के लिए क्या चाहिए? एक्चुअल इंजन तो है नहीं कि एक्चुअल में मैकेनिकल डिवाइस बना के दिखाऊं, देखो ऐसे सच में काम कर रहा है, सच में तो है नहीं, हाइपोथेटिकल है। तो उसने कहा एक काम करें, आप एक सोर्स लें, अब सोर्स कुछ भी लें, कोयला जलाएं, वो कहते हैं स्टीम जलाएं, जो पानी जलाएं, जो मर्जी करें, एक सोर्स लें। तो सोर्स का टेम्परेचर क्या है? T1। सोर्स का टेम्परेचर है T1। अब देखो ना हाइपोथेटिकल है, उसको फ्यूल बताने की जरूरत नहीं, क्या फ्यूल है, कहता होता होगा T1, तुम वो तुम देखो कैसे करना है। तो सोर्स का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बहुत हाई टेम्परेचर T1 है। एक आपको सिंक चाहिए जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर है कितना, T2। कितनी भी हीट अगर फेंक लूं मैं सिंक के अंदर, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, T2, ना सोर्स का ना सिंक का। एक चाहिए आपको गैस, एक सिलेंडर चाहिए जिसमें एक बेस जो है वो कंडक्टिंग चाहिए, ताकि हीट अंदर बाहर जा सके गैस के अंदर, और ये वर्किंग सब्सटेंस है। और यहां पर एक इंसुलेटिंग लिख लो, इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टैंड नहीं इंसुलेटिंग स्टैंड करो, करेक्शन करो, ये स्टैंड क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड है।
तो इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए, ठीक, इंसुलेटिंग स्टैंड। वो इसलिए कि अगर बाय चांस मैंने इस स्टैंड को इसके नीचे रख दिया और गैस को कंप्रेस या एक्सपैंड किया तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाएगा, क्योंकि इंसुलेशन होगी नीचे से, वॉल तो वैसे इंसुलेटिंग है, तो इससे क्या होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो सकती है। अब वो कहते हैं एक काम करते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, इस गैस को एक्सपैंड करना है फिर कंप्रेस करना है तभी एक साइक्लिक प्रोसेस बनेगा, फिर एक्सपैंड करना है फिर कंप्रेस करना है तभी साइक्लिक बनेगा। तो ये कहता है कि आप जो एक्सपेंशन है वो एक बार में ना करें, एक्सपेंशन ऐसे करें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ध्यान से, दो बार एक्सपेंशन करें, दो हिस्सों में एक्सपेंशन करें, पूरा मत खोलें सिलेंडर को, पिस्टन को पूरा एक्सपेंड ना करें एक बारी में, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कुछ हिस्सा आइसोथर्मल एक्सपेंशन और बचा हुआ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, बचा हुआ एडियाबैटिक कंप्रेशन, ऐसे साइकिल कंप्लीट करें। आप कहेंगे ऐसा क्यों, उसका रीजन इसने दिया मैथमेटिकल, ऐसा क्यों, ठीक, अब मान जाएंगे ऐसा सही किया इसने। लेकिन आप अगर कहेंगे सर मैं तीन हिस्सों में कर लूं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन फिर एक एक्सपेंशन फिर एक, हाँ तो ऐसे कर लो, ऐसे दुनिया में बहुत साइकिल आए होंगे पर पहला साइकिल कार्नोट था, तो हम दुनिया का सबसे बेसिक साइकिल पढ़ रहे हैं, उसके बाद तो लोगों ने तीन तीन बार कंप्रेशन करके तीन तीन बार एक्सपेंशन किया होगा, वो अलग बात है, पर ये नहीं कि यूनिवर्सल ऐसा ही होता है, आप एक बार में भी कर सकते हैं पर इससे एफिशिएंसी एकदम सही बनती है। तो इससे जो है कम से कम दो बार तो करना ही होगा, बताऊंगा ऐसा क्यों। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक। अब इसके बारे में लिख देना, सिलेंडर चाहिए, इंसुलेटिंग वॉल का सिलेंडर है, कंडक्टिंग बेस चाहिए, हीट का सोर्स चाहिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चाहिए उसका T1, सिंक चाहिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2 चाहिए, इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए ताकि एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो सके, और वर्किंग सब्सटेंस चाहिए। वो कहता है जी मेरे कौन सा पेट्रोल डीजल पे चलना है, आइडल गैस इज अ वर्किंग सब्सटेंस। अब तुम कहाँ से लाओगे वो देखो, तो एक आइडल इंजन है ये कोई प्रैक्टिकल इंजन नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब वो कहता है कि काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। वर्किंग में सबसे पहले इमेजिन करो, करना तो है नहीं, इमेजिन ही करना है कि आप इस गैस को उठा के इस सोर्स पे ले गए, इस पूरे सिलेंडर को उठा के सोर्स पे ले गए, सोर्स का टेम्परेचर क्या था T1, तो गैस का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा T1, सोर्स का T1 तो गैस का टेम्परेचर भी T1, तो गैस क्या स्टार्ट करेगी एक्सपेंशन, तो गैस की क्या स्टार्ट होगी एक्सपेंशन। अब क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर T1 है, गैस का टेम्परेचर भी T1 है, और T1 तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर तो T1 ही रहने वाला है, तो एक्सपेंशन हो रही है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो यहां से जब यहां रखा गया जो एक्सपेंशन होगी वो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन है। जैसी एक्सपेंशन हो रही थी फटाफट से उठा के आपने इसको इस पर रख दिया या स्टैंड को इसके बेस में फंसा दिया। अब स्टैंड तो इंसुलेटिंग है, हीट का अंदर आना जाना बंद हो गया, एक्सपेंशन अभी भी हो रही है जो थोड़ी हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो मान लो एक्सपेंशन पूरी हो गई। अब किसकी बारी है कंप्रेशन, तो आप इसको उठा के इस पे रखें और पिस्टन को कंप्रेस करें, कंप्रेस करेंगे तो हीट बाहर जाएगी, सिंक में जाएगी, तो क्या होगा कंप्रेशन। तो हीट को बाहर फेंक रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर भी T2, सिंक का भी T2, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस के लिए ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुआ था एट टेम्परेचर T1, तो वापस भी कहां आना चाहिए एट टेम्परेचर T1। तो जैसे ही आप कंप्रेशन कर रहे थे इसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट को फेंक दिया, उसी टाइम आपने स्टैंड को फिर इसके बीच नीचे फंसा दिया और फिर कंप्रेस किया। अब हीट का अंदर जाना तो बंद हो गया, एडियाबैटिक प्रोसेस पे कंप्रेशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर एकदम सडनली इंक्रीज हो गया क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्विक प्रोसेस है, और वापस टेम्परेचर कितना हो गया T1। तो चार स्टेज प्रोसेस है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, तो ये चार स्टेज प्रोसेस है। अगर हम ऐसा करें तो डायग्राम ऐसा बनेगा, अगर हम इस तरीके से करें तो हमारा डायग्राम ऐसा बनेगा। ये देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन T1 देख रहे हो, तो पहले सोर्स का टेम्परेचर क्या है T1, और हीट ली जा रही है कितनी Q1, तो Q1 हीट ली जा रही है एट टेम्परेचर T1। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन देख रहे हो, नो हीट, ना Q1 ना Q2 कुछ भी नहीं, पर एक्सपेंशन अभी भी हो रही है।
फिर सिंक के लिए हीट फेंकी जा रही है क्यू टू एट टेम्परेचर टी टू, तो हीट फेंकी जा रही है टी टू एट टेम्परेचर क्यू टू, तो सिंक का टेम्परेचर टी टू है और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। फिर बची हुई ही बचा हुआ प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन और टेम्परेचर वापस टी टू से कितना हो गया टी वन, तो बन गया एक साइक्लिक प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम आपने पहली बुकलेट में देखा, तो आपने देखा था उसमें भी ये आइसोथर्मल होता है एडियाबेटिक होता है आइसोथर्मल एडियाबेटिक, एक्चुअल में ये कार्नोट का साइकिल है। तो ऐसे डायग्राम कार्नोट के बनते हैं। तो डायग्राम क्लियर है, बन जाएगा डायग्राम। अब मैथमेटिकली उसकी देखो उसकी थ्योरी थी ऐसा बनाओगे तो ऐसा बनेगा। अब साइंटिस्ट तो कुछ भी कह देगा, तो लोग तो हैं तो वेला ही इसका क्या कुछ भी बोल देता है, तो यार थोड़ी ना होता है, तो कुछ प्रूव भी तो करेगा कि मेरी बात सही है कि गलत है, और सही गलत करने के लिए मैथ्स की हेल्प लेगा। तो देखो से मैथ्स की हेल्प ली, वो कहता देखो हम पहले करते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में हमने क्या लिया, क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट लिया, तो डब्ल्यू वन अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है इन टेकिंग हीट क्यू वन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहली स्टेज प्रोसेस था। आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या था, ये प्रोसेस टी वन टेम्परेचर पे चल रहा था और मान लो वॉल्यूम वी वन से वी टू हो गया, तो यहां पे क्या करेंगे आर टी वन नेचुरल लॉग ऑफ वी टू बाय वी वन। क्या ये पहला स्टेप क्लियर है, फॉर्मूला लगा दिया आइसोथर्मल का, इसको छोड़ो इसको एरिया तो पता है हमें क्या करना है, मैथमेटिकल क्लियर है फॉर्मूला। तो डब्ल्यू वन अमाउंट ऑफ वर्क डन आइसोथर्मल में और क्यू वन अमाउंट ऑफ हीट लेने का वर्क डन आ गया। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर टी वन से क्या हो गया टी टू, इनिशियल टी वन फाइनल टी टू, टी वन बड़ा है टी टू छोटा है, फॉर्मूला लगाओ आर इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल, क्योंकि रूल क्या था इनिशियल माइनस फाइनल, तो ये फॉर्मूला भी लगा दिया दो। पर यहां पर हीट का क्यू का कोई काम नहीं, इसमें तो क्यू का काम है, इसमें क्यू का कोई काम नहीं, क्योंकि इसके अंदर एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होती। नेक्स्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, टेम्परेचर कितना है टी टू, अब ये इंपॉर्टेंट है ध्यान से, वी वन वॉल्यूम वी टू वॉल्यूम वी थ्री वॉल्यूम और वी फोर वॉल्यूम, मैं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, आप भी लिख लो वी वन वॉल्यूम, यहां पे वी वन वॉल्यूम है, ये वी टू वॉल्यूम है, ये वी थ्री वॉल्यूम है और ये वी फोर वॉल्यूम है, लिख लेना प्लीज इस पॉइंट्स पे। मैं वी ए वी बी यूज नहीं कर रहा, मैं वी वन वी टू यूज कर रहा हूं, एक ही बात है क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो V1, V2, V3, V4। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात कर रहे हैं एडियाबेटिक तो हो चुकी आइसोथर्मल कंप्रेशन की। आप मुझे एक बात बताओ ये आइसोथर्मल कंप्रेशन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, एट टेम्परेचर T2, T2 पे हो रहा है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है V3 से V4 हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कंप्रेशन है कम हो रहा है, कंप्रेशन का वर्क डन क्या होता है नेगेटिव। अब मैंने आपको साइन कन्वेंशन लगानी लास्ट टाइम सिखाई थी, अगर तो आप फॉर्मूले लगा रहे हो फिर तो आप साइन कन्वेंशन ना पुट करें, आपका अपने आप ही आंसर नेगेटिव आ जाएगा। पर अगर मैं आपको वर्क डन दे रहा हूं पॉजिटिव में और बोल रहा हूं कंप्रेशन है, फिर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, एक रूल फॉलो कर लो जो करना है। जैसे मैंने इसमें क्या किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन में आर टी टू लॉग ऑफ, रूल तो बनता है रूल फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, बनता तो यह था V4 by V3, final, initial, पर मैंने जानबूझ के क्या किया initial, final, बड़े वाले को ऊपर रखा छोटे वाले को नीचे रखा ताकि ओवरऑल वर्कडन क्या आ जाए पॉजिटिव। मैं सारे वर्कडन को ना एक बार पॉजिटिव निकाल लूंगा और एंड में साइन कन्वेंशन पुट कर दूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप यहां V4 और V3 कर दें फिर आपको साइन कन्वेंशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर का वॉल्यूम जब छोटा और नीचे का बड़ा आएगा ऑटोमेटिकली आंसर नेगेटिव आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने बुक की लैंग्वेज फॉलो की है, बुक में सारे वर्क डन पॉजिटिव किए और ये देखो एंड में साइन कन्वेंशन से उसको नेगेटिव कर दिया। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप नॉर्मल कर लो, अब वी फोर ऊपर कर लो वी थ्री नीचे कर लो, एक ही बात है वो, फिर एंड में साइन कन्वेंशन मत लगाना, एक ही बात है। तो मैंने जानबूझ के इसको पॉजिटिव, इसको बड़ा और इसका छोटा रख लिया और मेरा वर्क डन तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। और कंप्रेशन के अंदर भी फॉर्मूला होता है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, और मेरा जो एडियाबेटिक हो रहा है वो टी टू से टी वन हो रहा है, इनिशियल टी टू है फाइनल टी वन है, तो बनता तो ये था टी टू माइनस टी वन। तो अगर मैं टी टू और टी वन, टी टू पहले रखूं छोटा टेम्परेचर तो अपने आप ही नेगेटिव आएगा, पर मैंने जानबूझ के इसको पॉजिटिव बनाने के लिए टी वन माइनस टी टू किया,
लेकिन मैं एंड में साइन कन्वेंशन से नेगेटिव पुट करूंगा। आपकी मर्जी है, एक जगह यूज कर लो, या तो फॉर्मूले में कर लो यहां मत करो, या यहां कर लो वहां मत करो। तो मैंने सारे वर्क डन ही पॉजिटिव बना दिए, बड़ा और छोटा कर दिया। समझ आया ये स्टेप क्या है? अब ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पूरे साइकिल में क्या होगा, चारों वर्क डन का सम कर दें, जिसमें क्योंकि सारे वर्क डन मैंने तो पॉजिटिव लिए हैं, जानबूझ के पॉजिटिव लिए हैं, बनाए गए पॉजिटिव, लेकिन अब मैं साइन कन्वेंशन पुट करूंगा कि दो वर्क डन एक्सपेंशन के थे और दो कंप्रेशन के थे, एक्सपेंशन के पॉजिटिव और कंप्रेशन के नेगेटिव है, तो माइनस लगा लिया। अगर आप ध्यान से देखें W4 और W2 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो W4 और W2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, W1 माइनस W3 बच गया। W1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q1, और W3 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q2। तो W1 की जगह Q1, W3 की जगह Q2, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई। आप खो गए, ये तो मैं पहले लाइन से ही समझता हूं, लेकिन उसने देखो चारों प्रोसेस लगा के ये चीज प्रूव कर दी कि नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू। इसका मतलब ये चार प्रोसेस एकदम उसने सही लगाए हैं, क्योंकि फाइनल आंसर बिल्कुल सही मैच कर गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही कर रहा है। तो अब ये प्रोसेस हो गया। अब एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया था, वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन। अब क्यू टू की वैल्यू ऊपर से हमें पता है ये रही, ये पूरी की पूरी, Q1 की वैल्यू ये पूरी की पूरी, Q2 और Q1 की जगह आप यहां पर ये वैल्यू पुट कर दें, R से R कैंसिल, तो ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई इसमें। अब आप एक काम करें, गैस की इक्वेशन लगाएं, कैसे, ये ध्यान से देखना, हमने पहले भी न्यूमेरिकल किया हुआ है इस पे। ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, आइसोथर्मल है। बी और सी एडियाबेटिक है, तो P2 V2 raised to power gamma is P3 V3 raised to power gamma। C और D isothermal है, PC VC is PD VD, और ये फिर से adiabatic है, तो PD VD raised to power gamma is equal to PA VA raised to power gamma, ये V1 V2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से बोल रहा हूँ, P1 V1 P2 V2, P2 V2 gamma P3 V3 gamma, P3 V3 gamma is P4 V4 gamma, नहीं, P3 V3 is equal to P4 V4 isothermal है, फिर एडियाबैटिक है, तो P4 V4 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा, जहां एडियाबैटिक है और जहां आइसोथर्मल है। ध्यान से, तो जैसे पहला प्रोसेस आइसोथर्मल है, दूसरा प्रोसेस 2 से 3 एडियाबैटिक है, 3 से 4 आइसोथर्मल है, 4 से 1 एडियाबैटिक है। चार इक्वेशन लिख लोगे, इन चारों इक्वेशंस का लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करके ये पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। इस पूरी टर्म में P1, P2, P3, P4 लेफ्ट और राइट पे कैंसिल हो जाएंगे, तो V2 raised to power gamma के नीचे V2 ले आओ, V4 raised to power gamma के नीचे V4 ले आओ, V3 gamma के नीचे V3 ले आओ, और V1 gamma के नीचे V1 ले आओ। पावर जब माइनस करेंगे, V2 raised to power gamma minus 1, V4 raised to power gamma minus 1, V3 raised to power gamma minus 1 और V1 raised to power gamma minus 1 whole raised to power gamma minus 1, ये पावर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके V3 by V4 क्या आ गया, V2 by V1। अगर आप ये प्रूव करते हुए बीच में गुम जाएं, भूल जाएं, क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि यहां तक तो आपने कर ही लिया था, फाइनल आंसर आता है ये रेशियो इसके इक्वल आनी चाहिए। बीच में जो मर्जी करे चलो, कोई टेंशन नहीं है, एंड में प्रूव कर देना कि हाँ मैंने प्रूव किया कि ये V3 by V4 is equal to V2 by V1 है। तो ये पूरी की पूरी टर्म ये देखो क्या हो जाएगी, कैंसल। एफिशिएंसी का नेक्स्ट फॉर्मूला लिखें, 1 माइनस टी टू बाई टी वन, 1 माइनस टी टू बाई टी वन। तो उसने कहा एफिशिएंसी सोर्स और सिंक पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, और सोर्स और सिंक का जैसा टेम्परेचर होगा एफिशिएंसी वैसी की वैसी होगी। ठीक है यहां तक? तो जब आपके एग्जाम में अगर आया स्कूल में, तीन नंबर का आएगा, उसमें लिखना है कारनोट करता क्या है, ये कन्वर्ट करता है आपकी हीट को मैकेनिकल वर्क डन में, प्रिंसिपल लिखना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंस्ट्रक्शन में यह डायग्राम बनाना है, फिर चार दो दो लाइनें लिख देनी है कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आइटम यूज किया आपने, फिर वर्किंग में आपने ये ग्राफ जरूर बनाना है। इस ग्राफ के अंदर T1 पे टेम्परेचर Q1 है और Q2 हीट T2 पे जारी है, साइक्लिक प्रोसेस बनाना है। फिर आपने वर्क डन का फॉर्मूला आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का, एडियाबैटिक का, फिर टोटल वर्क डन में एक्सपेंशन के पॉजिटिव, कंप्रेशन के नेगेटिव, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा,
और इन दी एंड भूल भी जाएंगे तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन तो Q1 माइनस Q2 कैसे भी प्रूव करके ही आना है। फिर लिखनी है एफिशिएंसी, Q2 और Q1 ऊपर से पुट करना है, फिर इक्वेशन यूज करनी है आइसोथर्मल एडियाबैटिक, आइसोथर्मल एडियाबैटिक भूल भाल गए तो पता है कि ये रेशियो इससे कैंसिल करनी ही है, और फाइनल आंसर आपने यहां तक लिख के आना है। ये कारनोट है, इससे आपको 3 नंबर आप कमा सकते हैं।